हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी, फ्री हैंड टूल्स ऑफ हैमर, यानी जो हैमर होता है जी, उसका हम लोग फ्री हैंड टूल्स बनाना सीखेंगे। फ्री हैंड स्केचिंग में कैसे बनाते हैं, देखिए जी, फ्री हैंड स्केचिंग में हम लोग सिर्फ पेंसिल का यूज करते हैं और रबड़ का यूज करते हैं, यानी स्केल वगैरह का या सेट स्क्वायर का ये सब का यूज हम लोग नहीं करते हैं फ्री हैंड टूल्स में। तो ध्यान देंगे जी, हम लोग देखेंगे फ्री हैंड टूल्स ऑफ हैमर। हैमर का यानी चार प्रकार का हैमर होता है जी, जो एग्जाम में आप लोगों को लगभग पूछा जाता है जी, पाँच से 10 नंबर या 15 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है जी, आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और हमारा एक क्ला हैमर होता है जी, यानी चार प्रकार का हैमर होता है जी। तो चारों प्रकार के हैमर को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से जी, काफ़ी आसान मेथड से बताएंगे कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद बनाना सीख जाइएगा जी। तो देखिए ट्रिक के साथ देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे एक बनाए हुए हैं जी। यहाँ पे बॉक्स देखिएगा, ये जो बॉक्स है जी, यहाँ पे देखिए 70 बाई 35 का, ये 70 है ये टोटल और ये हमारा 35 है, तो 70 बाई 35 का ये ब्लॉक बनाए हैं। उसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला ये छोटा सा ब्लॉक है, इसको 20 में बांटे हैं, ये 30 है, फिर ये 20, 30 20 50 और 20 70। देखिए चारों खंड को ऐसा ही सेम टू सेम बांटे हैं जी। देखिए चारों का लगभग सेम कंडीशन है, सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने का। देखिए चार बॉक्स बनाए हैं जी, तो चारों हैमर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बारी बारी से और बिल्कुल आसान मेथड से जी। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को और प्रॉपर वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे जी, यहाँ पे ये लो डायमेंशन इसका समझ गया जी सबका, ये कितना कितना एक बार और समझ लीजिए। ये वाला हमारा टोटल 35 है, 35 35 और 35, क्लियर हुआ जी, सब में सेम सेम है 35 35। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 70 है, तो यहाँ से यहाँ हमारा 20, ये फिर हमारा नीचे भी 20 और बीच में कितना है 30, ये सब कितना है mm में है जी, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखेंगे जी, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में ही है जी बॉल पिन हैमर, जो अधिकांशतः एग्जाम में यही पूछा जाता है, बॉल पिन और क्रॉस पिन, यानी हैमर से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन, एक हैमर का चित्र फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैंड स्केचिंग में आता ही है जी। तो ध्यान से देखेंगे फ्री हैंड स्केचिंग, देखिए ये वाला हम लोग सेट स्क्वायर से ये वाला ग्राफ इतना बना चुके हैं। तो ध्यान से देखेंगे जी, यहाँ से ये क्या करेंगे, हल्का सा ये मूव करेंगे ऐसे, क्लियर हुआ जी, हर कॉर्नर पर। तो ध्यान से देखेंगे जी, हर कॉर्नर पर जहाँ भी है जी, वहाँ से सभी से इस टाइप में हम लोग मूव करेंगे, यहाँ से ये वाला, क्लियर हुआ जी। उसके बाद यही काम सेम नीचे भी ये करेंगे, देखिएगा ध्यान से प्रॉपर, देखिए ये जो है टेपर टेपर थोड़ा सा, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, इतना करने के बाद ये वाला क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर एक दूसरे से इसको मिला देंगे जी, फिर ये वाला भाग भी इसको प्रॉपर मिला दीजिए, क्लियर हुआ। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, ये वाला प्रॉपर है जी, ये वाला हम लोग मिला देंगे, फिर ये वाला लाइन एक दूसरे से मिला दिए, क्लियर हो रहा है जी, इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये हल्का सा टेपर में हम लोग निकालेंगे जी, ठीक है, हल्का सा टेपर में जी, ज़्यादा नहीं, मेरा ये हल्का सा ज़्यादा निकल गया था, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ये वाला हमारा ये पार्ट हुआ, देन ये वाला हमारा लाइन यहाँ से ये हुआ, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद इस भाग को ये वाला हमारा क्या, हल्का सा टेपर टाइप का दिखिएगा, प्रॉपर फेस क्या हल्का सा टेपर टाइप का दिखता है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इतना होने के बाद इसको ये बोल क्या रहा है जी, बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं जी, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हल्का सा एक गोला सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ जी। यहाँ पे देखिए मेरा हल्का सा ज़्यादा हो जा रहा है जी, तो देखिए हल्का सा आप लोग इसको रहिए सही से बनाते हैं जी, हल्का सा ये क्या, हल्का सा मूव इस तरह करके, देन यहाँ से देखिएगा, क्लियर हुआ जी। अब इसको देखिए डार्क कीजिएगा तो और काफ़ी बेटर, देखिए ये वाला इतना पार्ट हुआ, देखिए ये वाला पार्ट हमारा है जी, इसको ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बन चुका है जी, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा हो गया जी। उसके बाद से ध्यान से देखिए, उसके बाद इसी के अंदर एक और पार्ट ऐसे बनाते हैं जी, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये बॉल पिन हैमर बन के रेडी हो गया जी। उसके बाद से देखिए ध्यान देंगे, ये जो साइड से जो भी ये वाला लाइन खींचे हैं जी, इसको हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दीजिए, इसको मिटा भी दीजिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको स्केच पेंसिल से, जो पेंसिल आपके पास मोटा है जी, उसके क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी, इसको हल्का सा डार्क कर दीजिएगा तो काफ़ी बेस्ट दिखेगा जी। देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये वाला हुआ, देन ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से देखिए ये वाला हुआ, उसके बाद ये वाला यहाँ से देखिएगा, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, देखिए क्लियर हो गया जी। ये वाला हमारा क्या हो जी, और ये वाला जो पेंसिल से बनाया है जी, ये वाला जो ग्राफ, इसको हम रबड़ की सहायता से आपको इसको इरेज कर देंगे जी, क्लियर हो रहा है जी। देखिए अब काफ़ी बेस्ट हो गया जी, बनकर हमारा क्या हुआ जी, हैमर रेडी हो चुका।
क्लियर हुआ। उसके बाद से ध्यान से देखिए, अब चाहते हैं इसमें हल्का सा ये शेडेड, तो हल्का सा ये क्या क्या हल्का सा ये इसको ऐसे शेडेड टाइप का भी ये कर दीजिए जी, दोनों साइड में, पूरा प्रॉपर नहीं जी। देखिए ये वाला इतना से थोड़ा सा क्या होता है जी, अच्छा दिखता है जी। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसका हम हैंडल बनाएंगे जी, हैंडल हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमको देखेंगे यहाँ से जी, यहाँ से तो इसको क्या कर कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे कीजिए, देन ये वाला हल्का सा ऐसे करने के बाद, और इसको ये वाला देखिए यहाँ से ये वाला हमारा क्या हो गया जी, हैंडल हो गया जी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे इसको क्या हल्का सा ये वाला यहाँ से ये वाला पार्ट इसको शेडेड कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद इसको नामांकित कर दिया जाता है जी, कौन किसको किस नाम से जानते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं जी। देखिए हम यहाँ पे स्केच से बनाए हैं जी कवर के, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे, आप लोग एग्जाम में पेंसिल का ही यूज करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से देखिए इसको हम हैंडल के नाम से जानते हैं, तो इसको HANDLE ये हो गया हमारा हैंडल हो गया। उसके बाद ये वाला हमारा हो गया जी, इसको हम फेस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जी, फेस के नाम से इसको जानते हैं जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जो, तो इसको हम नेक के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जी, तो NECK नेक, नेक के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला सामने वाला जो है हमारा गोला सा, इसको पिन बोलते हैं। तो देखिए ये कौन सा पिन है जी, ये वाला हमारा, तो बॉल पिन, बॉल पिन। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा पार्ट बॉल पिन हो गया जी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद से ध्यान देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, चिक के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, चिक के नाम से जानते हैं। देखिए अगर एग्जाम में पूरा नंबर उठाना है, फुल में फुल मार्क्स, तो आपको इतना ये लिखना जरूरी है जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फर्स्ट में बॉल पिन हैमर बन के रेडी हो गया। अब उसी तरह आगे ध्यान से देखेंगे जी, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे जी। तो ये वाला हमारा कौन सा हैमर हो गया जी, यहाँ से ये वाला इसको लिख दीजिए, बॉल पिन, बॉल पिन HAMER बॉल पिन हैमर, ये वाला हमारा बॉल पिन हैमर बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, अब हम यहाँ पे हम लोग साइड में बनाएंगे जी क्रॉस पिन हैमर। तो क्रॉस पिन के हैमर कैसे बनता है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे फंक्शन किए तो वैसा ही सेम टू सेम ये इधर भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लगभग एक दूसरे से रिलेटेड सभी फिगर है जी। यहाँ से दोनों साइड में क्या करेंगे, टेपर भाग थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे सभी जगह। देखिए जैसे जैसे हम लोग हम बना रहे हैं जी, वैसे वैसे स्टेप बाई स्टेप आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिगर आप लोग को काफ़ी बेस्ट हो बन के रेडी हो जाएगा जी। देखिएगा यहाँ से ये वाला पार्ट हम इसको मिला देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला नीचे हल्का सा टेपर हल्का सा हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको ये वाला, देन हम इसको हम यहाँ से ये वाला, और आपको ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए ये वाला पार्ट हमारा मिल गया जी। अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे इसको डार्क करेंगे, तो देखिए हम आप लोग ये काम कीजिए, सब 2H पेंसिल से कीजिएगा और डार्क कीजिएगा, एक्स्ट्रा जो डार्क कर रहे हैं जी हम यहाँ पे, तो ये HB पेंसिल से हम लोग डार्क करेंगे। हम यहाँ पे तो आप लोगों को स्केच से बता रहे हैं जी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा फिगर क्या हो क्लियर दिखे कैमरा में, लेकिन आप लोग प्रॉपर क्या करेंगे जी, जब बनाइएगा लोग प्रॉपर आप लोग पेंसिल की सहायता से ही बनाएंगे। देखिए इसमें हम जहाँ भी बना रहे हैं जी, कहीं स्केल की आवश्यकता नहीं है, तो ध्यान से देखिए दीजिएगा। ये वाला हम साइड वाला क्यों मिटा दे रहे हैं, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग में स्केल का आप लोगों को, फ्री हैंड स्केचिंग ऐसा ड्राइंग बनाना रहता है जी, उसमें देखने पे सामने वालों को पता ना चले कि यहाँ पे स्केल वगैरह का यूज किया गया है जी, तो इसलिए आप लोग फ्री हैंड में यही ध्यान में देखा जाता है। तो देखिए इसलिए देखिए हल्का हल्का सभी कर्व हल्का सा, देखिए जो भी मूव है जी सब हल्का हल्का कर्व घुमाए हुए हैं, तो इस तरह आप लोगों को क्लियर होगा जी। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये वाला, यहाँ से एक पार्ट ऐसे बनाएंगे, देन इसके अंदर हम इस टाइप का पार्ट बना दें। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा कौन सा हैमर हो गया जी, ये वाला किस नाम से जानते, इसको देखिए। अब ये वाला जो फेस है जी, ये साइड वाला, तो हम इसको, ये जो पेंसिल है इसको हम मिटा देंगे जी, इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट को मिटा देने पर और फिगर काफ़ी क्या अट्रैक्टिव दिख रहा है जी। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से बन के, उसके बाद देखिए हर पार्ट यहाँ पे, जैसे ये शेडेड किए हैं थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा, तो आप लोग भी शेडेड कर भी दीजिए या नहीं भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्लियर हुआ जी।
यहाँ पे आप शेडेड हल्का कर देते हैं, पूरा नहीं करेंगे जी। क्लियर हुआ? पूरा शेडेड नहीं करना है, इतना तक क्लियर हुआ? उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, अब इसमें क्या बनाएंगे जी, हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल हमारा इधर तो स्पेस नहीं है, तो हम आपको इधर है स्पेस, इधर हैंडल बना के दिखा दे रहे हैं जी। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको हैंडल नहीं भी बनाएंगे तो रहने दीजिए सर। इधर हम लोग यहाँ पे एक क्या बना दे रहे हैं जी, इसका हैंडल बनाने के लिए ये क्या होल्ड बना दे रहे हैं जी। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हैंडल का निर्माण कर लें। उसके बाद से ध्यान से इसको नामांकित कर देंगे। तो इसमें भी क्या कहते हैं जी, इसको हम ये वाला पार्ट को फेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी? उसके बाद से ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, ये तो बॉल पिन था, इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, इसको क्रॉस पिन, इसको क्रॉस पिन के नाम से जानते हैं। देखिए हल्का सा, देखिए, और यहाँ पे ये वाला जो बनाए हैं जी, यहाँ पे हल्का सा क्या, हल्का सा नेक, हल्का सा क्या, हल्का सा थोड़ा सा मुंह दिखा दिया जाता है जी, तो इसको हम नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नेक। हल्का सा क्या, हल्का सा तिरछा रहता है जी यहाँ पे, इसको हम नेक के नाम से जानते हैं। और बाकी इसको तो आप जानते ही जी, इसको हम चीक के नाम से जानते हैं, जो रहता है जी, प्लेन रहता है ये वाला हमारा चीक। ये जो हैंडल है जी, इसको हैंडल आप लोग जैसे यहाँ पे बनाए जी, उसी तरह यहाँ पे स्पेस नहीं है कि नहीं तो बना देते। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, बॉल पिन हैमर हो गया, देन ये वाला हमारा क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर हमारा रेडी हो गया जी यहाँ पे। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला बॉल पिन हैमर, देन ये वाला हमारा क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, अब स्ट्रेट पिन हैमर को बनाएंगे। तो थोड़ा सा फिगर को क्या करें, थोड़ा सा पिच को हम ऊपर कर रहे हैं जी, तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए भाई, साइज सेम टू सेम ब्लॉक यहाँ पे भी बनाए हैं जी। क्लियर हो रहा है? उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हल्का सा ये सभी कॉर्नर पे ये स्ट्रेट पिन, सॉरी, ये टेपर वाला भाग को हम लोग दिखाएंगे, टेपर जैसा इसको दिखाएंगे। देखिए, ये दिखाने का मतलब क्या है जी, ये जो ग्राफ बनाए थे ऐसा प्रतीक न हो कि हमारा क्या है, स्केल की का यूज किया गया है जी। उसके बाद यहाँ से क्या, हल्का सा ये मूव करके ऐसा दिखाएंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, इतना तक बन गया। अब इसको कवर करेंगे जी, इसको डार्क कर दीजिए। डार्क करने के बाद फिगर थोड़ा स्पष्ट दिखेगा जी। देखिए ये वाला डार्क, ये वाला देखिए, यहाँ से ये डार्क कर दिए जी। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से भी ये वाला पार्ट, इसको भी डार्क कर देंगे। देखिए ये वाला इतना भाग हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला जैसे दिखाएं यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं जी, या नहीं भी दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा क्या हो, फिगर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये फंक्शन दिखा देते हैं। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, हमको क्या बनाना है जी, क्रॉस पिन तो हो गया, हमको स्ट्रेट पिन हैमर बनाना है। तो स्ट्रेट पिन हैमर में देखिए, यहाँ से एक दूरी लेते हैं, देन उसके बाद इसको ऐसे मिलाएंगे, देन उसके बाद इसको इस पार्ट से मिलाइए, देन इसको ये वाला पार्ट से मिलाए। क्लियर हुआ जी? देखिए इसमें और इसमें बहुत फर्क दिख रहा है जी। देखिए ये वाला पार्ट है आपका, तो हैंडल आपका इधर से है जी, जो ज़्यादा फेस है जी, और इधर से है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा हैंडल यहाँ पे रहेगा। क्लियर हुआ जी? तो इसको हम यहाँ पे हैंडल भी आप लोगों को बता दे रहे हैं जी। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा हैंडल भी हो गया। उसके बाद से तो ये वाला छोटा सा जो पार्ट है, इधर से हम दिखाएंगे तो ये कौन बोलेगा जी, स्ट्रेट पिन हैमर के नाम से इसको जानेंगे जी। उसके बाद से ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट आप एक इसमें मिस कर दिए, ये वाला हमारा भाग बन जाएगा। उसके बाद ये वाला भाग है जी, ये वाला हमारा सरफेस बन के रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया जी, इसको किस नाम से जानते हैं जी, तो ये हमारा हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर। क्लियर हुआ जी? तो ध्यान से देखेंगे, STRAIGHT, स्ट्रेट पिन हैमर। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, स्ट्रेट पिन हैमर, ये वाला हमारा बन के रेडी हो गया। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, ये वाला है जी, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा, ये क्या थोड़ा फिगर अच्छा दिखे तो इसको बेंट को थोड़ा सा, ये जो हैंडल होता है उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। उसी तरह जिसमें इसमें नाम दिखाएं जी, तो इसका भी दिखा देंगे, इसको हम हैंडल के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, हल्का सा दिखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं जी, हल्का सा ये वाला जो हल्का सा इथी रहता है यहाँ पे, तो इसको हम नेक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम फेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी? ये वाला फेस है, देन उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये क्या है जी, स्ट्रेट पिन है। क्या है जी? STRAIGHT, स्ट्रेट पिन। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, स्ट्रेट पिन के नाम से जानते हैं जी। क्लियर है? उसके बाद से देखें, ये वाला जो भाग है, ये वाला
तो इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, चीक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चीक के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना पार्ट हमारा क्या हुआ जी, बन गया। उसके बाद से एक यहाँ पे देखिए, इधर भी एक क्या होता है, ये डंड, ये जो हैंडल होता है जी, आर पार होता है, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक रहता है जी आर पार, तो इसको हम वेज के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद से ध्यान से देखिए, तो ये तो हमारा हो गया जी फाइनली स्ट्रीट पिन हैमर हो गया। अब लास्ट है जी हमारा क्लॉ हैमर। क्या है जी? क्लॉ हैमर, जो लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है लास्ट हैमर में, तो ये वाला देखिए, इसको भी सेम कंडीशन है जी बनाने का। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, फिर हम यहाँ पे ये टेपर, ये क्या है, टेपर भाग दिखा रहे हैं जी। क्लियर हो रहा है जी? तो टेपर भाग यहाँ पे देखिए, देखिए ये वाला, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा कवर, आप लोग इसको स्केच की सहायता से इसको कवर कर दे रहे हैं जी। थोड़ा सा समझने में क्या है, परेशानी नहीं होगी जी। क्लियर हुआ जी? अब यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा, इसको यहाँ से दिखा देंगे, पूरा बिल्कुल हमारा एक्यूरेट हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो सरफेस यहाँ पे हम लोग दिखाएं जी, सेम टू सेम सरफेस हम लोग यहाँ पे भी दिखा देंगे। नहीं भी दिखाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। थोड़ा सा ये दिखा देने का मतलब है जी, थोड़ा सा क्या होता है, फिगर अच्छा दिखता है, बस पूरा नहीं, पूरा भाग नहीं दिखाएंगे। क्लियर हुआ इतना जी? उसके बाद से ध्यान से देखेंगे आगे, इसमें ये वाला हमारा, उसके बाद देखिए ये क्ला हैमर। क्ला हैमर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे देखिए, देखिएगा बढ़ई मिस्त्री है, सब बढ़ई वो लकड़ी वगैरह, लकड़ी में जो कांटी उटी जो टेढ़ हो जाता है जी, वो कील को वो एथी करते समय, वो ठोकते समय, तो उस समय आपको उस कांटी उटी मुड़ जाता है तिरछा, तो उसको निकालने के लिए क्ला हैमर का यूज किया जाता है। देखिए क्ला हैमर होता कैसा है जी, तो हम पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ले रहे हैं जी, तब आप लोगों को ये आपको दिखाते हैं जी कैसा होता है जी। उसके बाद से देखिएगा ये वाला ऐसे रहता है, देन उसके बाद ये वाला देखिए हल्का सा क्या हो जाए, मेरा थोड़ा तिरछा हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको रहिए सुधारते हैं। देखिए इसको बनाते समय काफ़ी सावधानी बरतेंगे जी, नहीं तो क्या होता है जी, हमारा फिगर गलत हो जाता है जी, और ये फिगर लगभग आप लोगों का 5 से 10 नंबर में रहता है जी। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये होगा, उसके बाद इसको ये वाला मूव ऐसे कर देंगे। देखिए अब इसको हम लोग डार्क कर देंगे जी, इसको देखिए थोड़ा सा हो सके ये मूव, देखिए ये वाला कर रहे हैं जी, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा जितना बेटर से बेटर हो थोड़ा ये मूव होने का। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से ये वाला पार्ट है जी, इसको हम जो नेक, नेक के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा जो पेंसिल से हम लोग बनाए हैं जी, ये वाला लाइन, इसको सबको क्या करते हैं जी, ड्रॉ कर देते हैं जी, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं जी, क्या उससे मेरा फिगर क्या हो थोड़ा सा सुंदर दिखे। यहाँ इसमें भी है तो इसको भी हम लोग मिटा सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए, इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाला सरफेस, देन ये वाला सरफेस, देखिए एक बनाने आ गया आपको, इसमें से एक हैमर बनाने आपको आ गया, तो लगभग सभी हैमर आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हुआ जी? तो अब इसका भी हम नामांकित कर देंगे जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट, ये तो हमको इसको फेस के नाम से जानते हैं जी, देन ये वाला पार्ट है जी ये वाला, तो इसको हम चीक के नाम से जानते हैं जी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो इसको हम नेक के नाम से जानते हैं। ये वाला जो ये वाला जो पिन है, इसको क्ला पिन के नाम से जानते हैं जी। इसको देखिएगा क्ला पिन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, बन के। इसके बाद ये वहाँ पे जो हैंडल दिखाएंगे, इसको हम हैंडल उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं जी। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो गया। इसको देखिए क्ला में हो सके हम गलती भी लिख रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्ला पिन हैमर। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा ये चारों हैमर बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा आप लोग नीचे से देखिए, जो भी आप इसमें देखिए बनाएं, तो कहीं आपको दिख रहा है जी फ्री हैंड स्केचिंग बनाएं, इसमें कहीं भी आप लोगों को क्लियर नहीं ना हो रहा है कि हाँ कहाँ पर हम कहीं स्केल वगैरह का यूज़ तो नहीं किए हैं, इसमें कहीं आपको दिख रहा है जी, तो फ्री हैंड का मतलब यही है जी। तो इतना इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपको बिल्कुल है जी, चारों में से कोई हैमर एक हर एग्जाम में रहता ही है। तो ये वाला देखिए, जो भी हैमर बनाइए, हम यहाँ पर हैंडल नहीं बनाए जी, तो आप लोग यहाँ स्पेस ना रहने के चलते हम इसमें हैमर नहीं दिखाएं, तो आप लोग हैमर हैंडल यहाँ पे दिखा लीजिएगा, या आप लोग जब पेज पे रफ कीजिएगा तो अलग अलग भाग में इसको बना के हम लोग रफ कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हुआ जी, हमारा ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो गया जी। तो
ये वाला हमारा 100% फिगर बन के रेडी हो गया। तो ये चारों हैमर को हम लोग ने बना चुके हैं जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के ट्रिक के साथ अगले नए नए फ्री हैंड स्केचिंग लेकर, जो आईटीआई में आप लोगों के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछता है जी। तो ओके फ्रेंड्स।